आज सुशांत सिंह राजपूत की प्रिय गर्लफ्रेंड सो so कॉल्ड प्रिय गर्लफ्रेंड का इंटरव्यू आया इंडिया टुडे पे और लिया भी तो किसने राजदीप सरदेसाई ने ऐसा व्यक्ति जो सुशांत के बारे में ये सोचता है लेट्स बी ऑनेस्ट ऑल्सो सौरभ सुशांत सिंह राजपूत नॉट सच बिग स्टार कि इतना दबाव आना चाहिए पुलिस पर राइट right? अगर इतना दबाव आया है तो क्यों आया है मैं आपको सीरियसली लेता नहीं हिंदू भाइयों शेर बनो जवाब दो ना शेर बन सको तो शेयर करो दबा के शेयर करो और एक चीज मेरे दिमाग में आई अभी अभी जस्ट कि राजीव सरदेसाई के इस बयान के बाद क्या कोई सच्चा प्यार करने वाली लड़की या कोई पार्टनर ऐसे इंसान को ऐसे मीडिया हाउस को इंटरव्यू देता जो इंसान या जो मीडिया हाउस या जो पत्रकार किसी व्यक्ति के मर जाने के बाद मान लीजिए अगर आप प्यार करते हो सुशांत से तो सुशांत के डेथ के बाद जो कि इतनी सस्पिशियस डेथ है उसके लिए पूरी जनता इमोशनल है उस इंसान के लिए कोई कह रहा है कि वो इतने बड़े भी सेलिब्रिटी नहीं थे कि इतना प्रेशर बनाया जाए इतने अधिकारियों को परेशान किया जाए किसी का इतना बड़ा सेलिब्रिटी होना जरूरी है क्या अगर जनता का लगाव जनता का बिलीव है फेत एक चीज़ समझ में आ रही है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है जांच होनी चाहिए तो जांच ही तो करवाने के लिए कहा जा रहा है किसी को बिना जांच किए तो सूली पे लटकाने के लिए कहा नहीं जा रहा है जब तक तो कोई बड़ा आदमी नहीं है किसी को गलत फंसा नहीं सकते ऐसा तो नहीं हो रहा ना जनता ने ये नहीं कहा ना कि सलमान खान करण जौहर या चक्रवर्ती या जितने भी भट्ट कपूर नेपोटिज्म के जितने चट्टे बट्टे हैं सबको सूली पर चढ़ा दो ऐसा नहीं कहा ना जनता ने प्रेशर सिर्फ इसीलिए बनाया गया ना कि जाँच हो तो दोनों का पाखंड राजीव सरदेसाई का पाखंड उनके शब्दों में लॉजिक का ना होना और रिया चक्रवर्ती का दोहरा चरित्र दोहरा रूप कि इधर कहती हैं कि मैं प्यार करती थी गर्लफ्रेंड थी इसलिए उसके साथ रहती थी और एक्सपेंसेस जो हुए हैं वो नॉर्मल हैं हम लोग कपल्स थे तो ये सब करना जायज़ था और सब कुछ ठीक था तो आपको क्या एक परसेंट भी दुख नहीं है उसके जाने का कि आप ऐसे इंसान को इंटरव्यू दे रही है? हमारी मीडिया इंडस्ट्री बहुत बड़ी है आप चाहती तो किसी को भी इंटरव्यू दे सकती थी लेकिन आपने उसी इंसान को चुना और इतना इंटरव्यू देने का शौक है तो अर्नब गोस्वामी को दीजिए ना आपने तो एक पिक्चर में यह भी कहा था कि आप उनकी फैन तुम्हारी जगह होता तो यही करता। आइडल कर। गोस्वामी सर मेरा गो सर इस इंटरव्यू में रिया मैडम ने राजदीप सरदेसाई के पूछने पे कि आपको उनकी बीमारी के बारे में उनकी मेंटल इलनेस के बारे में जो भी वर्ड्स थे आप खुद सुन सकते हैं आपको मैं वो क्लिप भी सुना दूंगा आपको कब पता चला तो मैडम का जवाब सुनिए और क्या क्या इल्ज़ाम लगा रही हैं और क्या क्या दवाइयाँ खाने के बारे में कह रही हैं आप छोटा सा सुन लीजिए कम से कम जी यूरोप के ट्रिप जाने वाले दिन सुशांत ने मुझे बोला कि और सबको बताया कि उसको फ्लाइट में बैठने से बहुत क्लोस्टोफोबिया है और उसके लिए वो एक दवाई लेता है जिसका नाम है मोडाफिन oh wow! तो सुशांत सिंह को जो बीमारी बता रहे हैं क्लस्ट्रोफोबिया, और उसकी वो दवाई लेते थे तो आइए इस बीमार इंसान से आपका परचे भी करा देते हैं। flight my about claustrophobia here stop it get some help i mean i was so excited i can't uh, i can't explain it I, it's just that it's one of a few of my uh, favorite days of my life so four days of training so what was that like so i did everything i did everything I was so excited that I ended up doing everything twice. <laughs> so, yes, I, I was in a centrifuge. I, I got to 3.5 Gs that you actually feel when you're flying a Saturn V rocket. And I did it again and again for 25 minutes. And they were like, Oh, you're supposed to throw up because you th actually throw <laughs> up. But I was not. I was like, Yeah, <laughs> I was in that centrifuge. I was in NASA. I was in NASA training. जिस चीज की बीमारी है उस चीज समझ लीजिए अगर मुझे पानी में डर लगता है तो मैंने घर ही समुंदर के अंदर बना लिया ये वैसा आदमी है समझ रहे अच्छा फिर इस इंसान को लाइसेंस भी चाहिए क्यों भाई सुसाइड तुमको हवा में ही करना था क्या लाइसेंस क्यों चाहिए तुमको इतना बीमार आदमी हमने पहली बार देखा लेकिन छ महीने से मैं ये सपना देख रहा हूँ कि मुझे लाइसेंस चाहिए उड़ाने का प्लेन <laughs> हाँ तो वो मैं अब जब तक नहीं लूँगा तब तक मैं मैं रुकू मैं तो मैडम यहाँ पे यही कहना चाह रही थी कि ये बीमार आदमी प्लेन में चढ़ने से पहले सिर्फ ट्रैवल करने से पहले ये दवाई खा के चढ़ता था उन्होंने दवाई का नाम भी बताया आपको कॉन्फिडेंस लेवल देखिए बस इस महिला का और ये भूल गई कि सोशल मीडिया के ज़माने में और सबसे बड़ी बात सुशांत सिंह राजपूत के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उस वक्त सुशांत की ये वीडियो डाली गई थी जो मैं आपको दिखा रहा था और स्क्रीनशॉट भी देख लीजिए डेट भी देख लीजिए तो या तो ये मतलब इसके क्या वकील सी पी एजेंसी या कभी भी इस कोई इसको बताता नहीं कि इतनी बड़ी बड़ी बेवकूफ़ियाँ मत किया करो सुशांत ने खुद अपलोड किया हुआ है तो वो कैसे इतना बीमार हो सकता है मतलब जो आदमी बीमार है चढ़ने के लिए वो इंसान वो प्लेन उड़ाना चाहता है और लाइसेंस बनवाने में लगा हुआ है नासा जाना चाहता है वहाँ भी उसने काफ़ी ट्रेनिंग ली वाह क्या मतलब ऐसी बीमारी तो मैंने मतलब भगवान फिर सबको दे दे अगर बीमारी की वजह से लोग इतने टैलेंटेड होते हैं कि नाम तो बीमारी का है लेकिन काम एक्सपर्ट वाले हैं अच्छा फिर सरदेसाई साहब ये पूछते हैं जब तो उसमें आप एक चीज़ और नोटिस करिएगा आपको पूरी क्लिप मैं इसमें नहीं दिखाऊंगा आप जब टीवी पे पर देखना हो, देख लीजिएगा या गूगल करके या यूट्यूब पे कहीं भी मैडम ने यह कहा कि हमने तो उसको खाते हुए देखा लेकिन उससे पहले की जो उन्होंने बातें बताई कि वो खाते होंगे मैडम ने ज़िंदगी में उनको सिर्फ़ एक ही बार खाते हुए देखा उनके हिसाब से उसके अलावा वो कब खाते थे उनको नहीं पता खाते थे इसका उन्होंने अजमशन डाल दिया वह क्या क्या, क्या रिश्ते मतलब ये रिश्ता क्या कहलाता है ये मुझे बता दो कि अगर आपकी थ्योरी को सेट करना है तो आपने ये बता दिया कि मैंने उसको खाते हुए देखा लेकिन उससे पहले का आपको नहीं पता है राजीव सरदेसाई ने ट्वीट करते हुए ये भी लिखा है कि मैंने पूरे दो घंटे का इंटरव्यू लिया है भाइयों जरूर देखिएगा और बाकी चीज़ें जांच एजेंसियों पे छोड़ दीजिए मीडिया क्या दिखा रही है उस पर यकीन मत करिए तो भाई ये बता दो कि इंटरव्यू लिया क्यों जब तुम्हारा हम ना ही देखें और ना ही यकीन करें पहली चीज़ इसका मतलब तो ये भी निकलता है कि जो तुमने इंटरव्यू में दिखाया वो हमें यकीन नहीं करना चाहिए ठीक और अगर तुम्हारा इशारा रिपब्लिक टी के लिए था कि रिपब्लिक टी वी क्या कर रहा है लोगों को पकड़ पकड़ के और क्या छानबीन कर रहा है उस पर यकीन ना करें तो या तो तुम स्पेसिफिकली कहते तो आदमी कैसे डिसाइड करे कि किसको देखना है किसको नहीं देखना है किसकी बात यकीन करना है किसकी बात यकीन नहीं करना और लॉजिकली देखा जाए कोई रैशनल थिंक कर देखेगा तो आपने जिस तरीके से इंटरव्यू लिया है और जिस तरीके के आपके सवाल थे और उनके जवाब थे पूरा स्क्रिप्टेड लग रहा था तो कोई जनता बेवकूफ़ नहीं ना रिया चक्रवर्ती बेवकूफ़ है और आप बेवकूफ़ हैं जो आप समझते हैं कि जनता बेवकूफ़ है मैं जनता से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को आप इतना शेयर कर दीजिए कम से कम कि रिया चक्रवर्ती की पीआर एजेंसी तक तो पहुंच जाए और सर देसाई साहब को अगर पता चल जाए कि उनका जो दो घंटे का प्रोपोगंडा चल रहा था वो जनता जानती है कि वाकई में कितना बड़ा झूठ था तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि इतना बड़ा क्लस्ट्रोफोबिक इंसान जो कि उसकी दवाई भी लेता था जिसका नाम बहुत अजीब है मुझे खुद नहीं पता वो अपनी बीमारी से बचने के लिए घर में नहीं रहता था वो प्लेन चलाना पसंद करता था इतना बड़ा वो बीमार आदमी था कि उसके सर पे इतनी ज़्यादा गहरी चोट थी कि वो हमेशा हमेशा इसकी एक्साइटमेंट में रहता था आप उसकी दो तीन वीडियो में जो दिखा रहा हूँ आप उसकी सारी एक्साइटमेंट देख सकते हैं तो खैर अच्छा है धीरे धीरे ये और बोले कि इंटरनेट के ज़माने में सोशल मीडिया के ज़माने में इसके झूठ और एक्सपोज होते जाएंगे इसका सो so कॉल्ड प्यार सबके सामने तो आ गया है अब जनता पूछ रही है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है आज के लिए इतना है फिर मिलते हैं अगले वीडियो जय हिंद बंदे माता ना शेर बन सको तो शेयर करो दबा के शेयर करो